हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से ग्लास बॉटल आर्ट, जिसको आप आज ही मनी प्लांटर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी प्लांटर यूज़ कर सकते हैं और डेकोरेशन पीस भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें एक फ्लैट ब्रश का यूज़ करी हूँ और एक्रेलिक कलर का यूज़ करी हूँ, वाइट कलर एक्रेलिक कलर फेविक्रिल का। अभी मैं इसमें फर्स्ट कोट करूँगी और ये सूखने के बाद मैं इसको दूसरा कोट लगाऊँगी। फर्स्ट कोट कोटिंग होने के बाद हम इसको 30 मिनट से 1 आवर तक छोड़ देंगे सूखने के लिए, उसके बाद हम दूसरा कोट करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोट जो दिए थे बॉटल में वो सूख चुका है। अभी हम इसमें सेकंड कोट करेंगे और आप लोग भी इसी तरीके से कोटिंग 2 बार कीजिए प्रॉपर तरीके से सूखने के बाद, तभी आप इसमें जो भी आर्ट या फिर जो भी फिक्स करेंगे मोती वगैरह, तो इसके ऊपर अच्छे से वो स्टिक हो जाएगा, नहीं तो वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अभी हमारा सेकंड कोट भी हो चुका है। ये हमारा सेकंड कोट होने के बाद लुक। अभी यहाँ सेकंड कोट सूखने के बाद मैं लेस का यूज़ करके उसमें फिक्स किया हूँ, और आपको ये सभी लेस कोई भी मैचिंग सेंटर में मिल जाएगा। और मैं यहाँ जो भी सामान यूज़ करी हूँ, अगर मुझे लिंक उसका मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी ये लेस को हम ग्लू गन के इस्तेमाल करके इसको हम स्टिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका लुक, ऐसे ही मैं बीच में और लास्ट में भी दे दूंगी। अभी ये हमारा है थर्ड स्टेप, जिसमें मैं ऊल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ऊल को आप छोटा छोटा टुकड़ा में काट के पहले उसका एक बंच बना लीजिए और उसको एकदम छोटा छोटा पीस में काट लीजिए, और आपको जितना ही चाहिए उतना ही आप लीजिए ऊल आपका बॉटल का साइज के अकॉर्डिंग। आपको जैसा वाला कलर चाहिए ऊल का आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मरून कलर का ली हूँ क्योंकि मैं वाइट कलर की हूँ बॉटल में। अभी ये हमारा फोर्थ स्टेप है, जिसमें मैं थ्रेड का यूज़ करके टैसल बनाऊँगी। आपके अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ टैसल बनाने के लिए 65 राउंड उसमें डाली हूँ। आपको चाहिए तो आप मोटा पतला आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कलर का थ्रेड ली हूँ। आपको चाहिए तो आप और ज़्यादा भी कलर ले सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। अभी यहाँ पे हमारा टैसल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं मैं 2 कलर का टैसल बनाई हूँ। अभी ये हमारा फिफ्थ नंबर स्टेप है, जिसमें मैं फेविकल का यूज़ करी हूँ, और वो फेविकल में हल्का सा आप पानी डाल दीजिए और एक पतला सा घोल बना लीजिए, और वो घोल को बॉटल में एकदम पतला लेयर सा कोटिंग करते जाइए। और पूरा कोटिंग होने के बाद हम जो बनाए थे ऊल का छोटा छोटा पीसेस उसमें चिपकाना है। चारों तरफ फेविकल को हम लगाने के बाद हम जो ऊल का टुकड़ा बनाए थे अभी उसको हम चिपकाना है बॉटल में, और एकदम हल्के हाथ से चिपकाना है। और अभी आप देख सकते हैं उसका फाइनल लुक। उसके बाद हम जो टैसल बनाए थे उसको हम बॉटल का ऊपर साइड में ग्लू लगा के उसको स्टिक करते जाना है चारों तरफ से। मैं यहाँ 8 बनाई हूँ, चारों तरफ से 2-2 करके
जॉइंट करके लगाई हूँ। आप आपका अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको जैसा चाहिए स्टाइल। ये टैसल लगाने के बाद का लुक है। अभी हमारा 6 नंबर स्टेप है, जिसमें हम मिरर का इस्तेमाल किए हैं बॉटल का सेंटर का हिस्से में। फ्रेंड हमारा देख सकते हैं बॉटल का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जितना भी नया वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन सभी वीडियो का मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।